मान्य उठ, चल चाय पीने चलते हैं, सुबह हो गई। अभी बस थोड़ी देर पहले ही मेरी आंख खुली थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था। एक थोड़ी ठंड भी है और ये जगह ही बहुत प्यारी है। आप देख सकते हैं धूप आ रही थोड़ी थोड़ी मेरे बेड पर भी, तो इससे थोड़ी जल्दी मेरी आंखें खुल गई। सुबह 7 बजे उठ गई थी मैं, और यहाँ पर चिड़ियों की इतनी प्यारी आवाज आती है, इतना ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। क्योंकि और यहाँ पे एक बर्ड भी थी जो सुबह सुबह गाना गा रही थी, तो मैंने सोचा ये कौन है ऐसे गाना गा रहा है, तो फिर जब मैंने देखा तो वो चिड़िया की आवाज थी। तो भैया बता रहे थे मुझे नीचे कि दिखाएंगे अभी आपको, बर्ड्स भी हैं यहाँ पे जो सिंगिंग करती है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि दिल्ली से पालमपुर कैसे आते हैं। तो दिल्ली से पालमपुर आने के लिए दिल्ली से डायरेक्ट बिर बिलिंग की बस होती है, बिर की, ठीक है। तो जब आप बिर जाएंगे तो बीच में पहले पालमपुर पड़ता है, तब बिर पड़ता है। तो पहले पालमपुर पड़ जाता है तो वहाँ पहले उतर जाते हैं। अब मैं थोड़ी देर में अब ब्रेकफास्ट करने जाने वाली हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत सारा भूख लग रही है, बहुत खाना होता है, मुझे खाना सोना घूमना मुझे बहुत पसंद है। मैं खाने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, मुझे खाना खाना होता है। और तो मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ओके तो अभी मैं निकल चुकी हूँ मड हाउस से, और मैं उस जगह जा रही हूँ जखनी माता टेम्पल, जो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, आपको दिखेगा नहीं शायद। जखनी माता टेम्पल पहुंचने के लिए थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है मड हाउस से। वैसे मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान था नहीं ले आने के लिए, बट मैं एक छोटा सा ये बैग है वो कैरी किया हुआ है मैंने अपने साथ में, जो भी कुछ सामान था वो मैंने इसमें रख दिया, आसानी से आ भी गया। जखनी माता टेंपल पहुंच गई हूँ मैं। ये टेंपल है और यहाँ से ये पहाड़ भी दिखता है ऊपर। यहाँ थोड़ी धूप लग रही है मेरे को ऊपर आने के बाद। यहाँ पर एक डॉग है। ये है जखनी माता टेम्पल। तो अभी जो ट्रैकिंग करके हम लोग आ रहे थे तो हम यहीं के लिए आ रहे थे। पालमपुर में पाइन ट्रीज काफी देखने को मिलते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के टाइम में जब अंग्रेज ये जगह छोड़कर जाने वाले थे, तब उन्होंने पाइन के सीड्स यहाँ पर चारों तरफ डाल दिए, क्योंकि ये अंडरग्राउंड वाटर को सोख लेते हैं। और पालमपुर नाम ही पालम से पड़ा, जिसका मतलब है लॉट्स ऑफ वाटर। तो वो चाहते थे यहाँ पानी ना रहे, और पाइन ट्रीज सॉइल को एसिडिक बना देते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर कोई दूसरा प्लांट भी नहीं उगाया जा सकता, जिसकी वजह से यहाँ वेजिटेशन काफ़ी कम है। लेकिन पाइन ट्रीज एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए। अभी मैं जखनी माता टेम्पल से निकल रही हूँ, और इस जगह का देखिए यहाँ पे कोई बिल्कुल भी भीड़भाड़ नहीं मिलेगी आपको। और ये पीछे जो आपको रेंज दिख रही है, डोलागढ़ रेंज है, इसको पार करने के बाद यहाँ से चंबा आ जाता है, ये बात मुझे भैया ने बताई थी। तो अभी भी देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, तो आपको वहां पर ले चलती हूँ।
अब मैं टी गार्डन पहुंच चुकी हूँ। ये सारे टी गार्डन, पूरे रास्ते में भी काफी सारे टी गार्डन पड़े थे। ये जो सामने दिख रहा है, ये सारे टी गार्डन है यहाँ पे। और सभी को पता है, ऑलमोस्ट सभी को पता रहता है ये वाली बात कि पालमपुर टी गार्डन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। अभी मैं पालमपुर के ओल्ड बस स्टैंड के मेन मार्केट में हूँ और मैंने सुना है यहाँ पे बहुत ही फेमस सोडा की दुकान है, तो वो टेस्ट करना है मुझे। ये शॉप 1952 से यहाँ पर है और ये यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस सोडा वाली शॉप है और यहाँ पर हर वक्त बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर बहुत तरह तरह के आपको सोडा मिल जाएंगे, शुगर फ्री सोडा, लेमन सोडा 25 रुपए, कॉस्ट ज्यादा महंगा नहीं है, काला खट्टा सोडा। और यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो देखिए गुर्दे और पित्ते की जो स्टोन होता है उसकी दवाई का सोडा भी यहाँ पर मिलता है। ये पालमपुर की मेन मार्केट है यहाँ पर। यहाँ से भी माउंटेन दिखता है, आप देखेंगे ना यहाँ से फिर माउंटेन साइड पूरा ये दिखता है मार्केट से। जिन लोगों को शॉपिंग करनी हो ना तो वो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो मॉल रोड पे आप लोग खाना पीना भी खा सकते हैं। मैं तो अपना मड हाउस है जो वहां से ही खा कर आई थी। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपनी जगह पे, अपने लोकेशन पे। अब मैं वापस आ चुकी हूँ हमारे मड हाउस और हमारे पास यहाँ पर बहुत कुछ है करने के लिए और यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये रहा हमारा मड हाउस प्यारा सा। तो अब यहाँ पर आगे हम कार्ड्स खेलेंगे, तो हम यहाँ पर जा रहे हैं फिर से मस्ती करने के लिए। सो पालमपुर घूमने आना मुझे मेरे आप तक का सबसे अच्छा डिसीजन लगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोई पालमपुर गांव भी है ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी कम है और ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत और सुकून से भरी है और ये जगह हमें कुछ अपनेपन का एहसास दिलाती है। तो ये हैं हमारे फेवरेट अंकल जी जो कि आर्मी में थे पहले। अंकल जी आप कितने साल से पालमपुर में हैं? मैं पहले यहाँ हुए। यहीं पे होते। और बताइए कुछ अच्छी सी बात मुझे यहाँ के बारे में, जो आप जानते हो जो कोई नहीं जानता। कोई यहाँ पे बहुत से मंदिर हैं, जैसे ये शिव जी का मंदिर है यहाँ पे बैनाथ में। अच्छा। और चामुंडा देवी बहुत अच्छा मंदिर है, धर्मशाला जाते दफा। कांगड़ा देवी ये भी यही है। इसके अलावा यहाँ पे टी गार्डन बहुत है। टी गार्डन पालमपुर तो टी गार्डन के लिए फेमस है। टी गार्डन बहुत है। ये मेरे फेवरेट अंकल है यहाँ पे। अंकल आप अपना नाम बताइए, मैं आपको अंकल बोलती हूँ। कैप्टन विजय सिंह। पता है अंकल आर्मी ऑफिसर रहे हैं तो मैं यहाँ पूरी तरह सेफ हूँ, इसलिए क्योंकि अंकल आर्मी ऑफिसर है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मैं इतनी सारा उदम मचा रही हूँ। अंकल मुझे कुछ कहेगा ही नहीं, मैं अंकल को बुला लूंगी कोई कुछ कहेगा तो। मेरा गला बैठ गया है, हंगामा इतना मचाती हूँ, इतना ज्यादा बोलती हूँ इस वजह से। तो आप लोगों को एक सलाह दीजिए इस बारे में कि जिंदगी जीने के ऊपर भी कुछ बताइए अच्छा सा। जैसे आप अभी तक मतलब जैसे यहाँ रहते हैं, आप अभी तक इतने हेल्दी हैं, सब ठीक है। आजकल यही है कि आप टाइम से खाओ, टाइम से उठो, टाइम से सो जाओ और जो आपको ठीक नहीं लगे उसको मत खाओ। तो हेल्दी रूटीन रखो। आजकल लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी। योगा करो।
और ऐसी कि ऐसी जो लोकेशन है ऐसी जगह रहो, ऐसी जगह अपना घर बनाओ जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है और नेचर ब्यूटी है और क्लाइमेट आपको बड़े अच्छे मिलेगी, हवा बहुत अच्छी मिलेगी, जो भी चीज मिलेगी आपको जेन्युइन मिलेगी। ये तो है, पर आजकल के लोग रहते कहाँ है ठीक से, डेली रूटीन उनका इतना बिजी, ऑफिस जाना आना, इतने सारे पैसे कमाने में लगे रहते हैं, कुछ पता नहीं होता आगे क्या करना है। दुनिया पैसे के पीछे दौड़ रही है, पैसों के चक्कर में तो खुशी होगी जहाँ पर वहाँ पैसा नहीं रहेगा, ये सच है। पैसा चाहिए तो खुश नहीं रहोगे, चॉइस हमारी है, हमें खुश रहना है। और अंकल ने खुशी को चुना इसलिए अंकल हमेशा हंसते रहते हैं। देखो अंकल फिर हंस रहे हैं क्योंकि मैं भी अंकल की तरह हूँ, मैं भी हंसती रहती हूँ क्योंकि मुझे भी अंकल की तरह ना दुनिया का सबसे ज्यादा खुश मिजाज इंसान बनना है, जो हमेशा खुश रहता है, जो हमेशा अच्छे से मतलब। अब अंकल आपकी एज क्या है बताना चाहेंगे? शर्मा रहे हैं बताइए, शर्मा रहे हैं तो बता सकते हो, मैं शर्मा रहा हूँ। नहीं मैं क्यों शर्माऊंगा तो बताइए आपकी एज क्या है? मेरी एज 80। बताइए 80 साल की एज है अंकल की, और मैं तो शॉक्ड हो गई जब अंकल ने बोला 80, मैं ऐसे हो गई हाँ मुझे तो ऐसे ही बनना है, मुझे भी ऐसे ही बनना है अंकल की जैसा। और अभी हम लोग मॉर्निंग टी पी रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए अब हम जाते हैं। बाय बाय अंकल, बाय 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 बाय। मान्या उठ, सुबह हो गई। आई वॉज ड्रीमिंग। सपना आया बहुत अच्छा। चाय पिए? इतना अच्छा सपना तो हो गया मेरा।